टू वेदमी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप उस क्लास पे स्विच करिएगा। तो अगर हम क्लासेस की बात करें तो मेजरली 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसमें पहली क्लास है हमारी IgG क्लास। अब IgG क्लास में क्या क्या है या क्या इसके फंक्शंस है, तो पहले अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 80% प्रेजेंट होती है सीरम पार्ट में। अगर आप सीरम की बात करें या टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो ये 80% पार्ट होता है, और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो भी लॉन्ग लाइफ स्पेन होती है IgG एंटीबॉडी। अगर आप ह्यूमन में IgG एंटीबॉडी की बात करें तो ये मोनोमेरिक इन नेचर होती है और इसकी 4 सब क्लासेस हैं, IgG 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे इसकी सब क्लासेस बताई गई हैं कि IgG 1 है, 2 है एंड 3 है, तो ये बेसिकली सब क्लासेस डिटरमाइंड हुई हैं बाय द डिफरेंट जर्म लाइन CH जीन, जिनमें हाईली सिमिलरिटीज होती है। अगर आप DNA सीक्वेंसेस की बात करें तो वो 90-95% सिमिलर होता है, लेकिन बाकी का जो 5% डिफरेंट होता है वो आपका जर्म लाइन CH जीन की वजह से होता है। स्ट्रक्चर वेरिएशन बेसिकली आपको हिंज रीजन में देखने को मिलेगा, अभी डायग्राम के थ्रू मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर कुछ इंटरचेंज जो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हैं उनमें भी थोड़ा सा नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड देखेंगे, या हिंज रीजन के अपर पार्ट में है कि लोअर पार्ट में है, उस बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है आपकी डिफरेंट क्लासेस में। अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें तो IgG एंटीबॉडी में जो IgG3 होता है एंड 1 होता है, ये बेसिकली आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और आपकी जो IgG एंटीबॉडी है वो आपकी प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है, और आपका जो 3 एंड 1 है वो Fc रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो फेगोसाइटोसिस की, या अगर आप ऑप्सोनाइजेशन की बात करें, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस की बात करें, तो उसमें IgG3 एंड IgG1 जो है वो मेजरली पार्टिसिपेट करती है, और आपका जो IgG4 है वो इंटरमीडिएट, और जो आपकी IgG2 है उसकी लो एफिनिटी होती है टूवर्ड्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन। और ये इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि जो IgG है वो इजीली प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है IgG एंटीबॉडी का। अगर आप इसकी डिफरेंट क्लासेस की बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपका कहलाता है हिंज रीजन। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो लोअर आपके हिंज रीजन में प्रेजेंट है IgG1 के केस में। IgG2 के केस में देखेंगे तो आप कंप्लीट हिंज रीजन में प्रेजेंट होता है। IgG3 की बात करेंगे तो ये अगेन आपके लोअर हिंज रीजन में जो है वो प्रेजेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और IgG4 आपकी सिमिलरिटीज शो करता है IgG2 से, तो इसीलिए जो आपका IgG1 है जो लोअर आपका रीजन है हिंज रीजन जहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और IgG3 है ये आपका मेजर पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में। और ये उसी का फिगर लेजेंड मैंने मेंशन किया है। सेकंड जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है हमारी IgM। अब इससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, कई बार क्या है ना कि हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी क्लास है कौन सी क्लासेस नहीं है, तो उसको आप ये टर्म याद रखिए, गेम्ड आपको याद रखना है। तो इस गेम्ड में आपकी सारी जो 5 की 5 क्लासेस हैं, जैसे ये क्या है आपकी IgG है, IgA, IgM, IgE एंड IgD, आप इजीली इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप एक और टर्म याद रखिए, दैट इज कॉल्ड मी। जब हम मी की बात करते हैं तो हम की भावना यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है। तो आपकी जो IgM है एंड जो आपकी IgE है, ये दोनों एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडी हैं जिनके पास लार्ज कॉन्स्टेंट रीजन होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये आपको बताया था कि यहाँ पर जो डोमेन होता है वो CH1 से लेके आपका CH4 तक होता है, और बाकी की जो रिमेनिंग IgG है, E है और GA और D है, इसके पास जो कॉन्स्टेंट डोमेन होता है वो 1 से CH3 तक का होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम सेकेंड एंटीबॉडी जो है IgM उसके बारे में बात करते हैं। तो IgM का अगर आप परसेंटेज बात करें तो ये 5-10% होता है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें सीरम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 mg/ml
जो आपकी IgM है वो बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडी होती है ऑन द बी सेल्स। तो जब बी सेल्स प्राइमरली जितनी भी एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करती है तो वो आपकी मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडी होती है जो कौन है IgM है। तो इनिशियली ये मोनोमेरिक इन नेचर होती है, लेकिन जब ये सिक्रेट होती है, जब ये बी सेल से बाहर आती है, जब ये बी सेल से सिक्रेट हो जाती है, मतलब सरफेस के बाद में जब ये मैच्योर होती है, तब ये आपके पेंटामर फॉर्म में आती है। और ये जो पेंटामर एक दूसरे के साथ ये किससे होल्ड हुए रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अगर आप पेंटामेरिक IgM की बात करें तो इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक एंटीबॉडी जो है वो दो एंटीजन को बाइंड कर सकती है। तो इस तरीके की अगर आप 5 एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ये 10 एंटीजन को बाइंड कर सकती है एक ही टाइम पे, 1 2 3 4 5 कहीं इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है 5 है। तो ये जो है वो एक टाइम पे 10 एंटीजन को बाइंड कर सकती है। इसीलिए अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी प्लस में जो आपकी एक ग्लूटिनेशन, जो ग्लूटिनेशन की रिएक्शन है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है। अगर आप फर्स्ट लाइन डिफेंसेस की बात करें, जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सेज होता है वो आपका IgM एंटीबॉडी के थ्रू ही दिया जाता है। जो आपकी IgM एंटीबॉडी है इसकी कितनी वैलेंसी डेकावेलेंट है, ये 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, उसी वजह से जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या है कि ये जैसे बी सेल्स के ऊपर भी बाउंडेड एंटीबॉडीज होती है, तो जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सेज देती है वो IgM होती है, लेटर ऑन क्लास स्विचिंग होती है और कॉन्सेंट्रेशन IgG का बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हैं, वो डिजीज आपके अंदर फर्स्ट टाइम हुई है, तो आप देखेंगे जो आपकी IgM एंटीबॉडी है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। IgM इफेक्टिवली एग्लूटिनेट जो रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन वायरल पार्टिकल एंड एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये इसके 3 फंक्शंस हैं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा था IgG या IgM एंटीबॉडी कोई भी हो सकती है, प्लस में एग्लूटिनेशन में भी काम करती है। और जो आपकी जी चेन होती है, अभी मैं बताऊंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जी चेन है वो नेसेसरी होती है पेंटामर फॉर्मेशन के लिए। जो आपका पूरा पेंटामर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जो पेंटामर फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका किस वजह से होता है, जी चेन की वजह से होता है, जो ज्वाइनिंग चेन होती है। अब क्या है, जो IgM है वो लार्ज साइज ऑफ एंटीबॉडी, अगर मॉलिकुलर वेट की बात करें तो IgM का मॉलिकुलर वेट काफ़ी होता है, इसी वजह से इसमें लो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है और लो टिश्यू फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो सिक्रेशन है इसका बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लार्ज साइज या लार्ज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। जो आपकी जी चेन होती है उसके पास कुछ सिक्रेटरी सेल रिसेप्टर होते हैं, जिस वजह से ये इजीली ट्रांसपोर्ट होती है टू द एक्सटर्नल सिक्रेशन। कहने का मतलब ये है कि IgM एंटीबॉडी का डिफ्यूजन बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत होता है वो किस वजह से होता है, इसके पास जो जी चेन है वो बेसिकली बाइंड करती है सिक्रेटरी सेल रिसेप्टर को, जिससे इजीली ये थोड़ा सा सिक्रेट आउट हो जाए। ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा IgM का। यहाँ पर जो आपकी कॉन्स्टेंट हैवी चेन है, अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिए जो मुझे इनिशियली आपको बता देनी थी, कि जो एंटीबॉडी की सब क्लासेस का डिवीजन हुआ है, जैसे हमने ये कहा कि जो IgM है कोई IgG क्लास है, IgA क्लास है, D है, तो ये सब हमने किस बेसिस पे बताया, उसकी हैवी चेन के बेसिस पे, क्योंकि ये कोई एंटीबॉडी है, ये उसकी लाइट चेन है और ये है हैवी चेन। तो ये जो हैवी चेन होती हैं इनका नेचर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर जो हैवी चेन है वो म्यू होती है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, यहाँ पर रखा है IgM एंटीबॉडी। अभी हमने क्या पढ़ा था, IgG एंटीबॉडी। तो IgG के केस में यहाँ पर ये जो हैवी चेन है वो आपकी गामा होती है, तो दैट इज IgG। फिर IgD में डेल्टा होती है। तो इनका जो डिफरेंशिएशन है, इनको जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ हैवी चेन। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो आपकी हैवी चेन है उसमें बेसिकली आपका हर जगह म्यू आपको मिलेगा। ये तो लाइट चेन है, लाइट चेन में केवल कप्पा होते हैं और आपके लैम्डा होते हैं, तो उस बेसिस पे कभी क्लासेस को डिवाइड नहीं किया जाता, डिवाइड किया जाता है आपके कॉन्स्टेंट रीजन पे, क्योंकि लाइट चेन दो ही टाइप की होंगी, या तो कप्पा होगी या तो आपकी लैम्डा होगी,
तो ज्यादा से ज्यादा दो क्लासेस बना सकते थे, लेकिन एंटीबॉडी की 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एबिचिन। तो इस तरीके से ये देखिए, ये है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड जो आपकी एक एंटीबॉडी को दूसरी एंटीबॉडी से होल्ड किए हैं, और ये है आपकी जे चेन बेसिकली, ये वाली, ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड थे जो आपकी ब्लैक लाइनिंग थी, और ये जो बेसिकली जे चेन थी ये ज्वाइनिंग चेन थी जो आपके इस पूरे स्ट्रक्चर को ज्वाइन की है, प्लस में यहीं पर आपके सिक्रेटरी रिसेप्टर होते हैं जो इसको सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम IgA एंटीबॉडी की। तो IgG एंटीबॉडी मोनोमेरिक थी, IgM एंटीबॉडी पेंटामेरिक थी, और IgE एंटीबॉडी जो है इज अ डोमिनेंट एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रेशन, ठीक है, और ये डाइमेरिक फॉर्मेशन। तो जो हमारी IgA एंटीबॉडी है ये बेसिकली सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। तो जो भी आप अपनी डक्ट लाइन या डक्ट कैनाल की बात करेंगे, जैसे आपकी रेस्पिरेटरी डक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट है, यूरोजेनाइटल डक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पर पॉलिशिंग होती है आपकी IgA एंटीबॉडी की, और ये डाइमेरिक इन नेचर होती है। इसके पास एक सिक्रेटरी चेन होती है जिस वजह से इजीली सिक्रेट आउट हो जाती है, और जो प्राइमरी या फिर फर्स्ट लाइन डिफेंसेस की आप बात करेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली एंटीबॉडी है वो है IgA एंटीबॉडी। और अगर आप सिक्रेशन की भी बात करेंगे, जैसे अगर आप मदर मिल्क की बात करेंगे, तो मदर मिल्क में भी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका IgA एंटीबॉडी का, प्लस में जो हमारा जितना भी डक्ट सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, वहां पर भी आपका सिक्रेशन होता है IgA एंटीबॉडी का। तो जो IgA एंटीबॉडी है वो पॉलीमेरिक एंटीबॉडीज होती है, इसमें जी चेन होती है और आपकी एक सिक्रेटरी कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी कहाँ पे, स्पेशली म्यूकोजल टिश्यू में, और जो म्यूकोजल टिश्यू है वो आपकी पूरी डक्ट लाइन की जो लाइनिंग होती है वो बेसिकली कई की होती है, वो म्यूकोजल टिश्यू की ही होती है। पॉली आईजी रिसेप्टर्स जो है वो हेल्प करते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए टूवर्ड्स म्यूकोजल सर्फिस। जो सिक्रेटरी आपकी IgA एंटीबॉडी होती है वो प्रिवेंट करती है पैथोजन अटैचमेंट, और जो आपका डिफेंस है उसमें रोल प्ले करती है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो वहाँ से भी आपकी IgA एंटीबॉडी का सिक्रेशन होता है जो प्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है आपके न्यूबॉर्न को। और अगर जब एंटीबॉडी डायरेक्टली सिक्रेट हो रही है तो इस तरीके की इम्यूनिटी मदर से जब बच्चे में एंटीबॉडी जो है जाती है तो वो आपका पार्ट होता है पैसिव इम्यूनिटी का। ये जब मैं पढ़ाऊंगी आगे चल के तो और अच्छे से हम बात करेंगे, अभी बस यहाँ पे ये बात आई तो मैंने ये मेंशन कर दिया। तो ये है आपकी IgA एंटीबॉडी, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डाइमर इन नेचर होती है, और इसके पास कितनी 4 एंटीजन की, अगर इसकी वैलेंसी बात करें तो ये टेट्रावेलेंट होती है, और ये एक साथ 4 एंटीजन को बाइंड कर सकती है और एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है आपकी जे चेन में। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ सीक्रेटरी कंपोनेंट होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं इसके सिक्रेशन के लिए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट है हमारी IgE एंटीबॉडी। जो हमारी IgE एंटीबॉडी है वो क्या है, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये हाईली पोटेंट होती है। लो कॉन्सेंट्रेशन जरूर है लेकिन इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हाईली पोटेंट है। ये जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें ये जो है मेन रोल प्ले करती है, जिसकी कंडीशन या आप एग्जांपल बात करें तो जैसे हे फीवर है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, जब हाँ हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपकी जो IgE एंटीबॉडी होती है उसके पास Fc रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मास सेल्स पे या आपके बेसोफिल्स पे। तो जैसे ये कोई आपकी सेल है, मास सेल्स है या बेसोफिल्स है, तो यहाँ पर ये कोई Fc रिसेप्टर होंगे जो किस एंटीबॉडी के लिए होंगे, IgE एंटीबॉडी के लिए, और ये IgE एंटीबॉडी आपकी कॉन्स्टेंट रीजन से या Fc रीजन से बाइंड करती है Fc रिसेप्टर पे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंटीजन का बाइंडेशन होगा जो आपके एलर्जेंस होंगे, और जैसे ही एंटीजन इनसे बाइंड करेगा क्रॉस लिंकिंग होगी, और यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारी मास सेल्स हैं या एसिनोफिल है वो ग्रेन्यूलेटेड सेल्स हैं, और इन ग्रेन्यूल से आपका सिक्रेशन होगा प्रोटीएजेस का, प्रोस्टाग्लैंडिंस का, जो आपकी जो टारगेट सेल्स है उसको डिग्रेड करेगी। दिस डीग्रेन्यूलेशन रिलीज द मीडिएटर्स जो ट्रिगर करते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए।
तो ये जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी IgE एंटीबॉडी का, और ये उसका फंक्शन है कि किस तरीके से ये जो आपकी IgE एंटीबॉडी था, Fc रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे आपके मास सेल्स पे या एसिनोफिल्स पे, बाउंड हुआ, जैसे ही ये एंटीजन आया, जो एंटीजन क्या है, एलर्जेंस है, इसने बाइंडिंग करी, क्रॉस लिंक हुआ और फिर ये डीग्रेन्यूलेशन हुआ और इस तरीके से हिस्टामिन सब्सटेंस हो गए आपके, एलर्जेंस सब्सटेंस हो गए, प्रोस्टाग्लैंडेंस हो गए, प्रोटीएजेस हो गए, इन सबका सिक्रेशन होता है और जो भी आपकी सेल्स रहेगी, जो इन्फेक्टेड सेल्स है, उसको ये किल करते हैं। फिर IgD एंटीबॉडी है, जो अगर आप IgD एंटीबॉडी की बात करें तो ये बहुत कम प्रेजेंट होती है, मतलब 0.2% ही ये प्रेजेंट होती है, एकदम लो कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रेजेंट होती है। IgD अलोंग विद IgM इज प्राइमरी मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ द मैच्योर बी सेल्स। तो जैसे आपने अभी, जैसे हमने अभी देखा था कि जो IgM एंटीबॉडी है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडी है ऑफ मैच्योर बी सेल्स की, तो कहीं कई बार IgD भी उसी तरीके का फंक्शन करती है, ये भी आपकी मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडीज है। लेकिन अगर आप इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट या फंक्शंस की बात करें तो वो अभी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी IgD एंटीबॉडी का। अभी इस टेबल में आपकी चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी, जैसे जो क्लासेस है IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD, ये किस बेसिस पे डिवाइड की गई है, हैवी चेन के बेसिस पे, कि आपकी हैवी चेन पॉलीपेप्टाइड में कौन सा चेन प्रेजेंट था। जैसे अगर जब गामा चेन प्रेजेंट होगा, हैवी चेन गामा होगी तो IgG एंटीबॉडी होगी, म्यू होगी तो IgM, अगर अल्फा है तो IgA, IgE के केसेस में एप्सिलॉन चेन होगी और बाकी IgD के चेन में आपकी डेल्टा चेन होगी। फिर अगर आप सब क्लासेस की बात करें तो IgG एंटीबॉडी की सब क्लासेस है IgG 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें जो हैवी चेन है उसमें गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4 होगा, जिस वजह से 4 सब क्लासेस बनती हैं, जिसमें जो फर्स्ट है और जो आपकी थर्ड क्लास है वो हाईली एक्टिवेटेड क्लास है, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में, ऑप्शनाइजेशन में हेल्प करती है। IgM की कोई सब क्लासेस नहीं, IgA की 2 सब क्लासेस है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, जिसे IgA1 एंड IgA2 कहा जाता है, बाकी E और D की भी कोई सब क्लासेस नहीं है। अगर आप लाइट चेन की बात करें तो या तो लाइट चेन में कप्पा होगा या फिर आपका लैम्डा होगा, वैसे ही कप्पा लैम्डा, तो लाइट चेन आपकी केवल 2 ही टाइप की प्रेजेंट होगी। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, जैसे हमें पता है कि गामा जो है, जैसे ये गामा इसकी हैवी चेन है, तो अब ये या तो आपके कप्पा से बाइंड हो सकता है या ये आपके बाइंड हो सकता है लैम्डा से, तो इसीलिए चूंकि 2 हैवी चेन है, इसीलिए अगर आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके का है, तो यहाँ पर तो गामा चेन है, तो ये एक गामा चेन और दूसरी गामा चेन, ये हो सकता है कि यहाँ पे कप्पा हो, ये भी कप्पा हो, और ऑब्वियस है ये 1 एंड 1 2 है, इसीलिए इसका फॉर्मूला है गामा 2 एंड कप्पा, ये 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों मिला के 2 है। या दूसरा इसका कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, सेकंड इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये तो गामा एंड गामा रहेगी, यहाँ लैम्डा और ये भी लैम्डा होगी, तो दूसरा कॉम्बिनेशन गामा 2 लैम्डा 2, इसी तरीके से म्यू का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, वैसे ही आपका IgA का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ऐसे तो मतलब हैवी चेन का सारा कॉम्बिनेशन या तो कप्पा के साथ होगा या गामा के साथ होगा, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट हो जाता है। फिर ये मैंने सारी एंटीबॉडीज का इस टेबुलर फॉर्म में कर दिया है, तो ये भी सफिशियंट होगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमें पता है, IgG क्या है, मोनोमेरिक इन नेचर है, IgM क्या है, आपकी पेंटामेरिक है, IgA जो है वो डाइमेरिक है, D अगेन मोनोमेरिक और E जो है वो मोनोमेरिक है। हैवी चेन हमें पता है, G की बात है तो गामा, M की बात है तो म्यू, सीक्रेट ए की जो है वो है अल्फा, फिर डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अगर आप नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 है, इसकी वैलेंसी होगी डेकावेलेंट, ये होगी टेट्रा, ये अगेन डाइमर और ये भी सेकंड, मतलब ये 2-2 एंटीजन से बाइंड कर सकती हैं क्योंकि मोनोमेरिक नेचर है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो जो आपकी IgM एंटीबॉडी है वो मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट की होगी, जो 9 लाख डाल्टन, ये डाल्टन की बात हो रही है, किलो डाल्टन की नहीं बात हो रही, डाल्टन तो 9 लाख है। फिर सेकंड आपका डाइमेरिक एंटीबॉडी होगा, जो आपका IgA एंटीबॉडी होगा, 3.8 लाख समथिंग इसका होगा मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे IgE एंटीबॉडी तो इसका 2 लाख है, फिर IgD एंटीबॉडी का बात करेंगे तो 1.8,
और सबसे छोटी जो होती है वो होती है आईजी जी एंटीबॉडी। इसी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। जब रिस्पॉन्सेज की हम बात करते हैं तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि इसका मॉलिकुलर वेट जो है बहुत लो होता है, इसी वजह से ये इजीली आपके सारे सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर जाती है। तो इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो सबसे कम है और कॉन्सेंट्रेशन यही रीज़न है कि इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो IgG एंटीबॉडी है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका IgG है, 6% तक आपका IgM है, 13% ये मोनोमेरिक फॉर्म के लिए दिया गया है, लेकिन डाइमेरिक फॉर्म के लिए 5% ही बचता है, 5% से लोअर है, लेकिन ये मोनोमेरिक फॉर्म में दिया है, इसीलिए इसमें 13% मेंशन है। IgD मोर देन वन लेस देन 1% एंड अगेन IgE लेस देन 1%। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करेगा? IgG एंटीबॉडी क्रॉस करेगी क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मदर के अंदर इजीली ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी हम फीटस को दे सकते हैं, इसी वजह से जो IgG एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। एंड सेकेंड थिंग ये भी है, जो IgG एंटीबॉडी है उसके रिसेप्टर प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा बेसिकली एक मेम्ब्रेन है, तो इस प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं आपके IgG के रिसेप्टर, जो जिस वजह से ये जो मदर है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है IgG एंटीबॉडी का इन फीटस। ये प्लेसेंटा को और कोई क्रॉस नहीं करता है। फिर इसके बाद अगर आप IgG में कॉम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो IgG और IgM पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आप Fc बाइंडिंग की बात करें तो वो मेजरली आपकी IgG होती है, जो फेगोसाइटोसिस की बात करते हैं और मास सेल और बेसोफिल्स में IgE एंटीबॉडीज के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो IgG का क्या फंक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन में, एग्लूटिनेशन में, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में, ऑप्सोनाइजेशन में और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। और IgM की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन में, एग्लूटिनेशन में, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस में और बी सेल्स में एज अ मोनोमर ये बाइंड होती है। बी सेल रिसेप्टर जो होते हैं बेसिकली वो इम्यूनोग्लोबुलिन ही है, और जिसमें कौन सी एंटीबॉडी है? IgM एंटीबॉडी है। फिर अगर आप IgA की बात करें तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन में होगी, एंड ट्रैपिंग ऑफ द पैथोजन एंड म्यूकस। जब आप म्यूगोजल टिश्यू की बात करेंगे, गट लाइन की बात करेंगे, तो वहां पर IgA एंटीबॉडी का सिक्रेशन ज्यादा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? पैथोजन को ट्रैप करना। IgD बी सेल रिसेप्टर्स के ऊपर तो प्रेजेंट है, एज अ बी सेल रिसेप्टर काम करती है, लेकिन इसका फंक्शन अभी आइडेंटिफाई नहीं है। IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट करती है मास सेल्स को एंड बेसोफिल्स को अगेन पैरासाइट्स या फिर आपका जो एलर्जेंस है उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज क्रिएट करती है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इसी से आपका जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे है और फंक्शंस जो है आप पूरा आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और भी डिफरेंट, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज डिवाइड की गई हैं ये हैवी चेन के बेसिस पे डिवाइड की गई, फिर इनका फंक्शन बता दिया। अभी और भी एंटीबॉडी का डिवीजन होता है, जैसे आइसोटाइप्स हैं, एलोटाइप हैं, आइडियोटाइप हैं, तो वो क्या है वो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है कि इस क्लास को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, जिससे जब हम PYQ करें तो सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही आपके सॉल्व होंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।